नमस्कार। नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भौणी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु गायत्री। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुडी को। ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य, पाखापाखि 70-80 भाग लोक कृषि और गोपाळन उपरे जीवन निर्वाह करती। वर्तमान सारा राज्य में बन्यार प्रकोप देखा जाउछि, तेणु चाषी भाई माने बन्यार प्रकोप को मुकाबला करी गो संपद को बन्या दाउरु और संक्रमण रोगरु किपरि रक्षा करिवे सेई विषय रे जाजपुर जिलार बड़चणा ब्लॉक रो वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सुधांशु शेखर दास आम कृषि प्रतिनिधि को कौन कहिचंती आसंतु सुनिबा तांको ठारु। आपण देखिपारे देखिबे कि जदि निहाती देखिबे किछि गायगुरु आउते मरि जाउछंती भासी जाइछंती बा मरि जाइछंती भासी लागि जइछंती। आपण देखिबे बहुत जगह भास तांकर मड़ मध्य आसिक सब आसिक पहुँचुची, बहुत जगह देखिबे आपण लागिछि गंध होउछि, तेणु ताकु सेमिति खोलार छाड़ंतु नाही। सेगुड़ा पानी रे जदि भासिकी गला ताहारे से विभिन्न प्रकार रोग को नेगी जाइथिबो। आपण ताकु निजे से पानी पिया पई मध्ये असुविधा, ताकु जतले गायगुरु मध्ये पिबे सेमाने मध्ये विभिन्न प्रकार रोग रे पड़िबे। तेणु ये जो समय जतले देखुचंती आपण गायगुरु मरि जाइछंती मला सबटे आपण पाखरे अछि बा आपण पाखरे देखुचंती, ताकु आग सत्कार करिया व्यवस्था करू। सत्य आपण डीप बरियल माने मिनिमम 6 फुट गभीर रे पोती दे पारिबे। आपण दरकार पड़ के गोटे गाई को 40 फुट 40 स्क्वायर फुट जगह दरकार, तेणु आपण निहाती कमरे 4 फुट चौड़ा एवं 10 फुट लंबा रे 9 फुट पर्यंत गभीर अपल करा पड़ो। आप 6 फुट तले जदि गाईटा रहिबो जदि निहाती मरी जाइछन आपण देखिले ताले एई भलिया अवस्था रे आपण जदि करिवे ताले सेतरे आउ कोनोसे प्रकार रोग बाहर को व्यापी पारिबोने। आमर बर्तमान मुख्य रोग एई समय रे व्यापे कोटा मुख्य रोग होची साहाण एवं बजबजिया। साहाण रोगटी आपण जानिछन्ति प्रत्येक वर्ष यही बन्या समय रे सेटा मुख्यतः रोग ये करे रोग आकार रोग व्यापे से आपण तार लक्षण समस्त आपण जानी। एवं सबु विभिन्न जगह ताको आप देखला पर जाना पड़ो, ता भीतर देखिले सबु जगह हेमरेज रहउतिबो, सबु जगह रे आपण देखिबे रक्त क्षरण सबु देह जाक सबु आड़े जा रहइतिबो, पाटी ये करी पाटी खोली करी निश्वास नवा भारी कष्ट होउतिबो, लाळ कंटिन्यू बाहरुतिबो। देखंतु वर्तमान आपणकर जो साहाण रोगर मु कहली चिकित्सा बहुत व्यय सापेक्ष होइथाय, बहुत हायर एंटीबायोटिक देबाक पड़िथाय, मिनिमम 3-7 दिन पर्यंत देबाक पड़िथाय लक्षण देखिकरि रोगर लक्षण बा ये केते अछि केते अधिक अफेक्ट करछि से अनुसार आपनको दरकार पड़ता है। सब क्षेत्र सक्सेस मध्ये हवा भारी कष्ट हुए, तेणु आम डिपार्टमेंट तरफ प्राणी संपद विकास विभाग तरफ ये बन्या समय रे प्राय वैक्सीनेशन करिया व्यवस्था वैक्सीनेशन कैंप सब करा होची। आपण माने सुस्थ गाई गोरु को सेठी की नहीं के आसंतु बा से कैंप को कैंप रो सहाय नियंतु, जो माने आपण जाउचंती गां गळी को जाउचंती कैंप करिया पई से माने आपणकर सेठी वैक्सीन करिया व्यवस्था करे, वैक्सीन कर देले आउ ये रोग हम ही ना। तेणु आपण प्रथम से सुविधाटे नियंतु। वर्तमान बन्या समय रे आपण जानि थांतु जो आमर गोटे यूजर फी पैसा निया जाउची वर्ष जाक निया जाइथाय टंकाटे एवं विभिन्न जगह 2 टंका भी निया होची, सेटा बन्या समय सेटा फ्री करा जाय। आपण जानि थांतु सरकार तरफ सेटा संपूर्ण रूपे मागणा दिया जाउची, तेणु यार सुविधा आपण माने नियंतु एवं मागणा जो चिकित्सा शिविर बर्तमान आयोजन करा जाउची सेतरे मध्ये आपण मानको विभिन्न प्रकार रोगर औषध मध्ये दिया जाउची। वर्तमान मुख्यतः आपण देखिए झाड़ा हबो ये जो बेसी दिन गाय गोरु रहिला पर पानी आपण जो पचा छण बा अन्यान जे आपण जेते अवॉइड करले मध्ये सेवन ताकू खाइबे दळ खाइबे
ଏବଂ ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କମନ୍ ରୋଗ। ଝାଡ଼ା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିକି କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କରାହେଉଛି ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି, ତା'ର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ା ଯଦି ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା, ତା'ର ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଟୀକା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବା ଯେମିତି ଟୀକା ପାଇପାରିବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗଲା ପ୍ରଥମ ରୋଗ ମୁଁ କହିଲି ସାହାଣ, ସେମିତି ଆମର ବଜବଜିଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଫାଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏକାଥରେ ନେଇଯାଇପାରିବୁ? ନାଇଁ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ଏକାଥରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 21 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଠିକ୍ରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହାଣ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଡଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ସାହାଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ବଜବଜିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି। ବୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଜବଜିଆ ରୋଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଜବଜିଆ ରୋଗରେ ଗୋଟେ 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯାଏ, ସେ ବୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ କରାଯିବ। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଫ୍ରି ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ଆଉ 2 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବଜବଜିଆ ରୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯାଏ 10 ଦିନ ପରେ, ଯଦି 10 ଦିନ ପରେ ଆମର ଫ୍ରି ନଥିବ, ଯଦି ସେ 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଲାଉ ନକଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଫ୍ରି ନ କରାଯିବ, 2 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ପିଛା ଗୋଟିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବଜବଜିଆ ରୋଗ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଆସିବେ ବଜବଜିଆ ରୋଗର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମକାକୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଭାବରେ ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ଜଳ ଦରକାର କରେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା, ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନଚେତ ଅମଳ ଅଧିକ ପାଇବା ବଦଳରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମକା ବିହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୃଷିବିତ୍ ଲଳିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜମିକୁ 2-3 ଓଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ମକାକୁ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଉଇ ଓ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେହିଠାରେ ଆମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 5% ଗୁଣ୍ଡ 10 କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଜାତୀୟ ମକା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 32 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 16 କେଜି ପଟାସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାରକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିଦେବା ଏବଂ 1/3 ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ସମସ୍ତ ପଟାସ୍ ସାର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଜିଙ୍କ୍ ସାରର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ସାର ଆମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମକା ପାଇଁ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 48 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 24 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 20 କେଜି ପଟାସ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1/3 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ 1/3 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗଛ ଉଠିବାର 21 ଦିନ ବେଳକୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବଳକା 1/3 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ବା ଚଅଁର ଆସିବା ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବିହନ ଲଗାଇବାର 7-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଚଅଁର ଆସିଥାଏ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଜାତୀୟ ମକା ଫସଲରେ ଆମେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ 1/1 ୟୁରିଆ 22 କିଗ୍ରା, ସୁପର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 100 କିଗ୍ରା ଓ ପଟାସ୍ 27 କିଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା DAP 35 କିଗ୍ରା ଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ 8 କିଗ୍ରା ଓ MOP ବା ମ୍ୟୁରେଟ୍ ପଟାସ୍ 27 କିଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। DAP ବଦଳରେ 20-20-0 ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପାଇଁ 1/50 କିଗ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 38 କିଗ୍ରା ଓ MOP 27 କିଗ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁଡ଼ାଖୋସା ସମୟରେ 1/1 ୟୁରିଆ 24 କିଗ୍ରା
प्रयोग करवाक हेबो एवं चौरे बाहरिबा समय रे एकर प्रति 24 किग्रा यूरिया सार शीर्ष सार हिसाब रे प्रयोग करा जाय थे। शंकर किसम मक्का बाई मूल सार हिसाब रे आम एकर प्रति 16 किग्रा जवखार जान 24 किग्रा सिंगल सुपर फस 24 किग्रा फसफरस ओ 20 किग्रा पोटास सारर व्यवहार करवा। यही सार पाइबापी आम यूरिया सिंगल सुपर फसफेट ओ पोटास यथाक्रमे 35 किग्रा 150 किग्रा ओ 33 किग्रा व्यवहार कर पार। जो चाषी मैंने डीपी सार व्यवहार करते एकर प्रति 52 किग्रा एवं यूरिया 14 किग्रा ओ एमओपी बा म्यूरेट पोटास 33 किग्रा व्यवहार करने को पड़ो। 20-20-13 व्यवहार करुवा चाषी एकर प्रति 80 किग्रा सहित सिंगल सुपर फसफेट 50 किग्रा एवं एमओपी बा म्यूरेट पोटास 33 किग्रा मूल सार हिसाब से व्यवहार करने को पड़ो। वर्षा दिनिया मक्का फसल प्रबल घास उठी थाए घास को नियंत्रण नक मक्का फसल आम ठीक भाव अमल पाई ना तेणु लगे तृतीय सप्ताह बेलू कड़ा खोसा कर घास नियंत्रण करवा नितांत आवश्यक। कृषि श्रमिकर अभाव पर आम रासायनिक तृणनाशक व्यवहार करपर रासायनिक तृणनाशक भाव में आलाक्लोर 50 शतकड़ा इसी एकर प्रति 800 मिलीलिटर प्री इमरजेन्स हिसाब से विहन बुणवार 2-4 दिन मध्य आम प्रयोग करपर एकर प्रति आम देश में ठेकुआ पालन अधिक रु अधिक लोकों द्वारा आदृत होबार लगी। अन्यान्य मांस तुलन में ठेकुआ मांस अति सुस्वादु स्वल्प क्यालोरी एवं अल्प कोलेस्ट्रॉल युक्त अटे। कालीर अध्याय देखी ठेकुआ पालन विषय किंतु आज जानिबा ठेकुआर खाद्य परिचालना विषय पर ठेकुआ छुआ आखि खोले और ठेकुआ छुआ को 42 दिन पर्यंत माँ पाखे रखा जाए। 42 दिन पर ठेकुआ छुआ मानक अलग कर दि जाए माँ ठार छुआ मैंने रही था माँ मान को गोटे अलग केज को निजाए तेणुक जो जगार से छुआ जन्म करेंगे ये छुआ जन्म करने प्रोसेसटा को किंडलींग कहुए यांकर ना तेणुक ये छुआ जो जगह जन्म करेंगे से नेक्स्ट बक्स से जगह गोटे या दरकार नेक्स्ट बक्स अर्थ हूँ गोटे ठेकुआ जो छुआ जन्म कर छाती पाखु पेट पाखु रूम नहीं गोटे तैयारी कर मानने गोटे बसा तैयारी करसार सी छुआ मान रखे कहुए मन रखुद यही समय साधारण भाव में ठेकुआ जो मैंने पालन करते जान न थे ठेकुआ जन्म करने सांगे सांगे से प्लासेंटा तार अर्थ हो फुलटी को खाई दिए पा जदि ताकत सफिसीयंट परिमाण में शुद्ध विशुद्ध पा रखि नए से छुआ को मैं खाई यह कहुए कानिबालीजिम मानने निज प्रजातिर छुआ को निजे खाइबा तेणुक पा सफिसीयंट पर रखि दरकार जो बक्सटर सैज के दरकार 90 सेंटीमीटर दर्घ्य आपणकर 45-60 सेंटीमीटर प्रस्थ एवं 45 सेंटीमीटर गहरिया होता दरकार जहाँफल कि ठेकुआ छुआ मैंने रहीपर बहुत भल भाव तेणुक ठेकुआ मान खाद्य कौन हो दरकार ठेकुआ मान खाद्य साधारण भाव में जिते फलमूल अच्छी जिते कंदमूल जितिय जिनस अच्छी जिते सुखिला घास अच्छी एपरिकी दुब घास से खावाकूपर मका गुंड खावाकूपर पीड़िया किसी परिमाण में खायाकूपर भात खायाकूपर आपड़ जेकोसी जिनस खावाकूपर आपड़े कि ठेकुआ घर टी संपूर्ण रूप से परिष्कार रखा दरकार कारण ठेकुआ मैंने साधारण भाव में बहुत समय रोगक्रांत हो पारिथांती जदि आप गहम गुंड आपण पीड़िया गुंड मका गुंड सहित किसी माना मुंड जहाँ कहुए फिश मिल बोली कहुए आ कि परिमाण में मिनेराल मिक्सचर मैंने खनिज लवण मिश्रण आमाण लुण जदि मिसई आप खावाक दौरान बहुत भल परिमाण में ठेकुआ मानक आपड़ बढ़े पारे आउ गोटे कथा विभिन्न प्रकार रोग रही ठेकुआ मैंने बहुत रोग आक्रांत हूँ केत मुख्य रोग विषय मुझे कहूँ पाश्चरोलेसिस पाश्चरोलेसिस गोटे ठेकुआ मानक रोग से थंडा प्रबल परिमाण नाकरु प्रबल परिमाण में पूरा घी भाया सिंगाणी बहुत से गुड़ाक अठा भाया लग नाक चारिपटे निश्वास ठीक से नहीं पारे नहीं गोड़ में अठा भाया लगि ए रोग से टेम्परेचर बहुत परिमाण में बढ़ी जाए तेणु मृत्युवरण करती सबुठ भल औषध 0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन जब आप इंजेक्शन देवे मांसपेशी भितर से भल भाव ठीक हो पारे आउ गोटे जिनस 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट जब पेनिसिलिन से दिज्व अंत 4-5 दिन से बहुत भल भाव बढ़ी पारे आउ गोटे रोग से हुए से कहुए कोक्सीडियोसिस।
कक्सीडोसीस जो मानकर कक्सीडोसीस रोग से प्रबल परिमाण झाड़ा हुए नाक और आखिरु पानी बाहर ए रोग में मृताहत हो पारती ये सल्फा क्विनोलाक्जोन और ट्राइमेथोप्रिम आपको पानी गोलपारे साधारण भाव में 0.25 ग्राम आपंकर दि जाए गोटे लिटर पानी मिसेक पानी पीवाक दि जाए आउ गोटे रोग हूँ इयर कैंकर रोग हुए यार अर्थ हूँ कान भितर जो नली अच्छी से नली टी कौन परिमाण असुविधा हो जाए फिंपीग्रस्त हो जाए जहाँफल मुंडी को बंके रखती सब यू कह जाए टॉटिकोलिस रोग कहुए यहाँ का आप एंटीफंगल औषध कान भितर एंटीफंगल ड्रॉप आपड़ पकई पारे उदाहरण स्वरूप फ्लुकोनाजोल फ्यूरोजामाइड आपणकर विभिन्न प्रकार ड्रॉप रही कीटोकोनाजोल्स आपड़े व्यवहार करें ठेकुआ मान गोटे शेष जिनस रोग हूँ से मानकर यही रोग छड़ा पादर बेले बेले फोटका होकर सब फली जाए कहीं से जाली फाले चलवा द्वारा कोई जगह घा फाई जाए तेणु यह समय से रोगटी बहुत परिमाण नष्ट कर दिए शरीर को नष्ट कर दिए चली पारती ठीक से खाई पारती ठीक भाव में कौन जगह गोटे जगह जापारती प्रजनन क्षमता ह्रास घटे तेणु ए समस्त व्यवस्था आपर पादर व्यवस्था करने का आटलिस्ट गोटे सप्ताह थे आपद को सब बेले आपड़ पोटासीयम परमांगनेट युक्त पानी रे किंबा आपड़ आंटीसेप्टिक लोसन थी पानी मिसेले पाद बहुत भल रहीपे आहरी विभिन्न प्रकार रोग रही रोग हूँ मुख्य रोग ठेकुआ मान खाद्य परिचालना सहित आपड़ी रोग गुड़िकर परिचा ठीक भाव में करेंगे तेल ठेकुआ मानक निश्चिंत रूप से आज भल भाव में बढ़े पारे और ठेकुआ मानक बिक्री करहब गोटे गोटे ठेकुआ मांसजात ठेकुआ 4.5 रु 5 केजी पर्यंत तीन मस रु 4 मस पहुँची जाती यही भाया भाव में मांस हिसाब से लोमो हिसाब से आपड़ बिक्री करें ठेकुआ पालन करश्चिंत रूप से आपने लाभवान हो पारे स्वयं सहायक गोष्ठी नारी मैंने जो पालन कर पशुपालन प्राणी पालन कर उन्नति करने को चाहते छोट छोट छुआ मान आमोद प्रमोद घर एक सैड बिजनेस हिसाब से निश्चिंत रूप रखा जा पारे बहुत परिमाण में लाभवान हो पारे मांस अत्यंत सुस्वादु या लो कोलेस्ट्रॉल मांस बोली क्या मन रखु मात्र एथेर 0.75% पर्यंत कोलेस्ट्रॉल थाए 20% प्रोटीन थाए पुष्टिसार युक्त एवं कैल्शियम एवं फास्फोरस एथेर बहुत अधिक परिमाण में रही थाए एवं निश्चिंत रूप से यह एक उत्तम सुस्वादु जातीय मांस आकु मध्य मांस हिसाब से ग्रहण करिवारे कौनसी प्रकार धार्मिक किंबा कौनसी प्रकार जातिक मनोभाव न थाए तेणुकर निश्चिंत रूप से ठेकुआ पालन एक उन्नत धरणर पालन हो पारिबो एवं निश्चिंत रूप एयाकु प्राणी पालन क्षेत्र रे एवं भल भाव अग्रगति करे अर्थनैतिक मानदंड को सुदृढ़ करे। आजिरो अन्नदाता आपणक सेवा सुपांडे कहा प्रश्नर उत्तर रहिछि आसंतु जानिबा। आजिरो अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यम रे मालकानगिरी जिल्लार भालुगुडा ग्रामर चाची बांचानिधि स्वाई से फसल पर्यायर चाष उपकृता विषय किछि तथ्य जानिबा को चाहुछन्ते आसंतु जानिबा हमर ई प्रस्तुति। वर्तमान खरीफ सीजन आरंभ है आमर चाषी भाई भोनी माने निश्चित चाष विषय भावुवे कि से माने को प्रणाली अपने को प्रणाली चाष करे कौन कौन चाष करे छोट चाषी हो कि बड़ चाषी हो से माने तांको जमी को चाहिए कौन चाष करे सेटा से माने एबे चिंता करूबे यही परिप्रेक्षी आज आम आलोचना करवा फसल पर्याय उपर फसल पर्याय हूँ गोटे जमि में गोटे वर्ष विभिन्न फसल चाष समय स्थानिक आवंटन यह मुख्यतः स्थानीय तापमात्रा जलवायु माटी प्रकार उपरे निर्भर करिथाय खाद्य निरापत्ता किंबा फूड सिक्यूरीटी को मुख्य आभिमुख्य रखी सबुज विप्लव में साधारणतः धान फसल बा गहम को इम्पोर्टेन्स दि जाए विभिन्न स्थान में केवल धान पर धान ही कर अणधान अथवा धान पर जमी पड़िया रोचे यही गोटे चाष बारंबार करिबारु माटीर उर्वरता ह्रास पाउची भूतल जलर स्तर में रासायनिक सार और कीटनाशक बहुल व्यवहार होगा एवं नूतन रोग पोकर काय विस्तार होबारे लगी साधारणता वर्तमान समय रे आमे देखिबाकु पाउछु जे चासी माने धान पर धान ही करुछंती जो फल अणधान जोटा कि आमर डाली जातीय हो किंबा तैल बीज हो तार दर खाउटी बजारे बढ़िबाकु लागुछि एही परिप्रेक्ष्य रे फसल पर्यायर आवश्यकता जथेष्ट भूमिका रही अछि एहा जणे चासीर आय को वृद्धि करि पारिबो एही फसल पर्यायर मुख्यतः
आमे मिश्रित फसल चाष बा मिक्स्ड क्रॉपिंग करि परिबा। मिश्रित फसल रे आमे गोटे जमी रे गोटे रु अधिक फसल आमे गोटे ऋतु रे करि परिबा। उदाहरण स्वरूप आमे मक्का सहित चीना बादाम किंबा मक्का सहित हरड़ करि परिबा। एही फसल पर्याय मध्य रे मुख्यतः गोटे प्रकार फसल चाष न करी आमे मिश्रित फसल चाष किंबा मिक्स्ड क्रॉपिंग करि परिबा, जेउथिरे गोटे जमी रे गोटे रु अधिक फसल आमे गोटे ऋतु रे करि परिबा। उदाहरण स्वरूप आमे मक्का सहित हरड़ किंबा मक्का सहित चीना बादाम नै परिबा, चीना बादाम सहित हरड़ किंबा चीना बादाम सहित मुग किंबा कपास सहित हरड़ चाष करि परिबा। फसल पर्याय रे आउ एक प्रकार हला अंतः फसल किंबा इंटरक्रॉपिंग। अंतः फसल एवं मिश्रित फसल मध्य रे अंतर हला एतिकी जे अंतः फसल रे गोटे मुख्य फसल एवं गोटे अंतः फसल थाए एवं मुख्य अंतः फसल को एक निर्धारित अनुपात ओ रे समस्त जमी रे आवंटन करा जाए, जहाँकि मिश्रित फसल रे अवलंबन करा जा न थाए। उदाहरण स्वरूप आमे चीना बादाम सहित मक्का करि परिबा किंबा चीना बादाम सहित बरगुड़ी करि परिबा, किंतु एही जो आमे नेबा जदि आमे चीना बादाम दुई धाड़ी नेबा तो दुई धाड़ी आमे मक्का लगेबा। सेहिपरि कि आमे मक्का सहित खम्ब आलू भी करि परिबा, गोभी जातीय फसल सहित आमे गुआर करि परिबा, गोभी जातीय सहित आमे प्याज करि परिबा, रसुण करि परिबा, सेही फसल मध्येरे अनुपात रखिबा। मिश्रित फसल अंतः फसल रे साधारणता जेउ फसल रो चयन करा जीवो ताहा मुख्यतः अलगा अलगा समय रे अमल होइथिबा फसल रो चेरो गुड़िक भिन्न भिन्न गभीरता को खाद्य संग्रह करिथांती। गोटिए फसल अधिक खाद्य आवश्यक करूथिबा समय रे आउ गोटे फसल कम करिथाए। एहिपरि फसल हेबा द्वारा सेमाने निजर वृत्ति निमन्ते प्राकृतिक संपद जोटा कि आमर रहुचि आलोक वायु खाद्य सार को पूर्ण भाव में व्यवहार करिथांती एवं एथिपाई सेमानक मध्यरे प्रतिद्वंदिता कमी जाइथे। एही मिश्रित फसल चाष एवं अंतः फसल चाषरे गोटे फसल मुख्यतः डाली जातीय हेबा निश्चिंत आवश्यक, कारण डाली जातीय फसल रे गंडी मानकरे सूक्ष्म अणुजीव मानक द्वारा वायुमंडलीय जबरखाजन बा नाइट्रोजन विभंदित होई ठिया फसल को जबरखाजन पोषक जोगाइबा सहित मृत्तिकार रचना भल भाबरे होइथाय आउ तार परवर्ती फसल को मिलिथाय। एही फसल पर्याय रे आउ एक चाष प्रणाली हला रिले क्रॉपिंग बा लगातार चाष करिबा। एही प्रणाली भिन्न भिन्न अमल समय थिबा दुईटी बा दुईटारु अधिक फसल को चाष करा जाए। फसल अमल पूर्वरु अन्य एक फसल निया जाए, जेते बेले द्वितीय फसल फल धरिबा अवस्था रे थाए से समय रे तृतीय फसल को ता मध्यरे लगा जाए। एही परि भाबरे वर्षक 3टिरु 4टि पनीपरिबा फसल चाष करि हेबो। एहार फल स्वरूप वर्ष सारा गोटिए जमी रे खत सार जलसेचन आपणक समस्या किंबा मतामत को आमर निशुल्क फोन रे निश्चय पचारंतु। समय अपराह 4टा रु 5टा आउ नंबर हैला 1800 419 2155। आपणकर चास समस्या सफलता किंबा मतामत आमको एई ठिकणा रे जणाई परिबे। ठिकणा टी हेउची प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 ओडिया SP3 बिल्डिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। आमर ईमेल ठिकनाटी होउची p18annadataodia@news18.com। तेबे दर्शक बंधु समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखुछु, काले आउ किछि नुआ तथ्य नै आसिबो देखबा को जमारो भूलिबेनी। से पर्यंत विदाई दियंतु, नमस्कार।